कि आप जितना भी बचना चाहे ना नहीं बच सकते, जो मर्जी कर लो। लो जी, एक कहावत बनी हुई है, कहते ने जी यूरोप दे तके कोई हसे ते कोई नसे। हसन जोगा छड़िया नहीं ते नसन वाले से रह कोई नहीं हूँ। इतनी एनजी हूँ सिस्टम चलता रहना। देखिए आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये मेले की पब्लिसिटी लगी हुई है, ठीक है। ये वैसे तो 8 अप्रैल का लगा हुआ है और 8 मई तक रहना है, लेकिन हमारा टाइम आज मिला था तो हम आज आ गए। वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खरी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो आज का व्लॉग जी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम चल रहे हैं मेले में, लिल सिटी में हर साल मेला लगता है, तो आज हम मेले में जाएंगे, खूब मस्ती करेंगे, मज़े करेंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। तो जी अंदर जाने से पहले ज़रा यहाँ पर देखते हैं इनका सेटअप। इनकी यहाँ पर वैनिटी वैन्स खड़ी हुई हैं, उसके बाद ट्रॉले खड़े हुए हैं। तो अंदर देखते हैं फिर मेले पर चलते हैं। ये देखें इस तरह इनकी वैनिटी वैन्स खड़ी हुई हैं, क्योंकि ये मेला लगता है 1 मंथ के लिए और इनका कुछ ना कुछ टाइम होता है। इन्होंने डिफरेंट लोकेशंस पे जाके ये फिर इंस्टॉलेशन करनी होती है, तो इसलिए फिर इनकी जो भी रहाइश का जो भी सिस्टम है, ये देखें एक ये जैसे इन्होंने पूरा एक ट्रेले में हाउस बनाया हुआ है, तो फिर इसी तरह का सीन चलता है। उतनी देर मुझे लगता है ये लोग यहीं पर रहते हैं 1 महीना, तो ये सारा उन्हीं का सेटअप लगा हुआ है जगह जगह पर। ये देखें ये भी एक इन्होंने बैक साइड पे एक कंप्लीट इन्होंने हाउस बनाया हुआ है, ठीक है। और ये भी है, और इसी तरह आपको ये मैं दिखाता हूँ, वॉशिंग मशीन भी इन्होंने इसी तरह साथ में लाए हुए हैं, ठीक है। पूरा उन्होंने अपना जो है ना सेटअप ज़बरदस्त सा इंस्टॉल किया हुआ है, ताकि इनको कोई मसला ना हो। बाकी माहौल बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ है, आवाम बहुत ज़्यादा आई हुई है मेले में। देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। वो देखें जी, इस पाइप के ज़रिए पहले गाड़ी ऊपर जाती है, फिर ऊपर से इस तरह नीचे आती है घूमते हुए। तो ज़बरदस्त सा झूला है बच्चों के लिए। ये ले जी आ गई है नीचे। ओ यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रश है, ठीक है। मेला जो है सही सजा हुआ, इस टाइम फैमिलीज आई हुई हैं ज़्यादा, मौसम भी अच्छा है, धूप निकली हुई है। बच्चों के लिए कार्स, जबरदस्त, वाह। बच्चों का बनता है जी, बनता है। आज अच्छा, इस मेले में इस तरह के हाउसेज आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, तो अंदर डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज हैं बच्चों के लिए। इसमें जाने के लिए पहले जरा इसमें से गुजरना पड़ता है, बंदा जाते जाते फ्रेश हो जाता है। अब जाने लगी है, ये देखते हैं साफ सुथरे हो जाओगे ना। ओ गई जी। ओ बच्ची को समझ नहीं लग रही। आप देखें वो ऊपर तक लोग गए हुए हैं, और बच्चों की बात नहीं है, बड़े भी गए हुए हैं बच्चों के साथ, तो पूरा फैमिली पैकेज ही अंदर है। एक और बहुत ज़बरदस्त सा झूला अभी चलता है, तो देखते हैं। वाह जी वाह, जबरदस्त। देखें जी, छुट्टी हो गई, छुट्टी हो गई, छुट्टी हो गई। ले जी देखते हैं इसकी हिट। ओह ग्रेट, वेल ट्राई। अब देखते हैं,
चल भाई सारे सारे पढ़ने। ओ नहीं जी, बच्चा निशाने मार रहा है और बच्चे के निशाने जो है ना बड़े जबरदस्त जा रहे हैं, कमाल कर रहा है। मोस्टली जो इसके निशाने हैं वो सारी हिट कर रहे हैं। क्या ख्याल है जी इस झूले के बारे में? इस पे ट्राई करनी चाहिए? मुझे इस मेले में जो सबसे मजेदार झूला लग रहा है वो यही वाला लग रहा है, इसको लाजमी ट्राई करेंगे। ले जी झूला लेना तो बंदा ये ले, बच्चों वाले झूले लेने का क्या फायदा? बोल तो हम भी बड़े बोल रहे हैं, मेरा पावे अपना मूत्र निकले आवे अंदर। चलते हैं फिर इस झूले की टिकट लेते हैं और बैठ के देखते हैं। नहीं जी, फिर टिकट ले ली है और बैठने लगे हैं, देखते हैं अब क्या बनता है हमारा। नहीं जी, जोश में आके बैठ तो गए हैं, अब देखते हैं कहीं अपने ही ना होश उड़ जाए। और चंगी तरह चेक चुक कर लो, तुहाड़ी बैल्टां बुल्टां ठीक है नहीं, हमें उत्ते जाके खुली पई होवे। नहीं जी व्यूअर्स, भाई आपका पैक हो गया, हवाओं में उड़ रहा है, दुआ करना खैर खरीदना थले आइए हूँ। अल्लाह ही खैर करे, देखते हैं चले ऊपर से आपको सीन दिखाते हैं आप थोड़ा सा। नहीं जी, सर्विस होने के बाद हमारी ऐसी हालत हो गई है। शुक्र है, सुख का सा आया जी। और ये था जी पहली और आखिरी बार। होते थले आते भी चक्कर पे आंडे ने, ऐसे उतरने के बाद हमारी हालत ऐसी हो गई है, ठीक है। तो जब तक तो ऊपर से तब तक आपको मैंने अपना हाल दिखाया, अब आपको दिखाता हूँ झूला चलने लगा। ये था कैसा इसमें हम बैठे, ये देखें जी, हमने इस पे रिस्क लिया था अपनी जिंदगी का। ये था क्या, ये देखें जरा आप इसके नज़ारे देखें जरा, इसने हमें हिला के रख दिया था, ठीक है। मैंने तो कैमरा भी हाथ में पकड़ा हुआ था, बरल अपनी जान से ज्यादा उस टाइम मोबाइल भी अजीज था। ये देखें तो सही, इस झूले का हाल देखें, हमने क्या हम क्या सोच के वैसे इस पे बैठ गए थे। इसी तरह इस मेले में बहुत सारे झूले लगे हुए हैं, डिफरेंट स्टाइल में, डिफरेंट टाइप के, ठीक है, बच्चों के, बड़ों के। और एक झूले में तो आपने अपने भाई का लाइव हॉल भी देख लिया। हमने झूले लिए को तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए हैं, लेकिन अभी तक भी जो है ना हमारा हाल ठीक नहीं हुआ। अजी क्या ख्याल है फिर इस झूले के बारे में? तो अभी हमने इस झूले पे रिस्क नहीं लिया क्योंकि हमारा अभी ना पहले ही सांस पे सांस नहीं आया, तो मैं कह हमें कोई और मसला बनया हुआ। तो इस साल जो है ना पहले की नस्बत झूले थोड़े से कम हैं, क्योंकि इस साल तो जो मोस्ट डेंजरस है वो ये एक ही है, लेकिन यहाँ पर 2-3 और हैं जो काफ़ी डेंजरस होते हैं, लेकिन वो इस साल लगे नहीं है, वरना आपको वो भी दिखाते थे। तो जी इन कार्स को चलाने का एक अपना ही मज़ा है, ये शौक हर उम्र में अच्छा लगता है। अभी हम गाड़ी में बैठ गए हैं, अब चलते हैं, जरा मज़े लेते हैं। अब देखते हैं जी किसी के साथ पंगा लेते हैं हम, जरा देखते हैं क्या बनता है, जरा किसी को हिलाते हैं, किसी ना किसी का बेड़ा गर्क करते हैं। आप जी इधर इधर आ ना, उरे आ इधर, आए 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 आओ, हाँ जी आओ,
मेरे ना पंगे चंगे हो बगैर तो हौसला करो। बड़ी कोई दुश्मन निकलने मेरे सारे दुश्मन इधर आ आ आ आ जा इधर आओ नजर आ तुसी अब तो पड़ गई ना। किसके पास चले ये हट हट मेरे अगे आंदी है शर्म कर अपनी सेहत देख ना भी ना साढ़े ना पंगे नहीं लेने बहुत बगैरती है सानू पुछ लिना वैसे कोई गल नहीं पुछ लिना सारे इन्हें ठोकिया सी केड़ी बाजी सी जरा मेनू केड़ी सी इधर आना तू जरा आ तो सही ना ये फिर मेरे सामने आ गई है आज फिर तू आ गई है कहते ना तो मेरी कोई यारी हो गई है यहाँ पे बचना बहुत मुश्किल है हर कोई जो है ना बिल्कुल बनावे कोशिश करते हैं बचने की। अब हमने इस बार किसी को टक्कर नहीं मारनी अगर कोई अगला ना मारे हमने बच के देखना है देखते हैं बचते हैं कि नहीं बच के निकलना है ना उंगल करो नहीं जी नहीं ये काम बचने वाला है ही नहीं। ले जी फुल मस्ती मजे फन और जो जो कुछ कह सकते हैं आप कह सकते हैं बड़े आराम ने सेंटर च जान दियां जे तुहानू मैं पुछ लेना हुण रह गया एक को मैंने नहीं मारी जरा मैं उसको जरा मिल लूं यही थी इंदी वारी नहीं बाज आना तुसी सारे ने नहीं आना आओ जी सॉरी ओ पुलसा पै गई जे आप जितना भी बचना चाहे ना नहीं बच सकते जो मर्जी कर लो सेहत वैसे अपनी माड़ी से नहीं लेकिन फिर भी जो बजती है ना गड्डी च गड्डी ते चुक के बंदे नु बाहर मार दी है। ये देखें जी एक और बड़ा जबरदस्त झूला लेकिन ये उस तरह का डेंजरस नहीं है जिस तरह का हम लेकर आए हैं। ओए ये भी बंदे को हिला देता है वैसे आज का जो दिन है हमारा वो झूलों पे चल रहा है कभी कभी ऐसा फन ऐसी मस्ती होनी चाहिए। ये देखें जी इसमें पता नहीं अब क्या चीज है इसमें बंदा गाड़ी में बैठता है एक साइड से और अंदर पूरा विजिट करके निकलता है इधर से टिकट लें और चले जाएं। लाइफ की किसी भी उम्र में आपका दिल जवान होना चाहिए आप मस्ती मज़े करें अपनी लाइफ को एंजॉय करें। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस तरह के काफ़ी हाउसेज यहाँ पे बने हुए हैं ठीक है बच्चों को खेलने के लिए एक्टिविटी है तो अच्छी दिहाड़ी लग रही है इनकी। ले जी फ्लाइटें फिर ऑन है इस टाइम बच्चे जहाज में बैठे हुए हैं क्या बात है इस तरह बच्चों के लिए भी काफी झूले हैं बच्चे भी मजे कर रहे हैं बड़े भी मजे कर रहे हैं मेला सजा हुआ है जी।
अच्छा यूरोप में एक बात है कि ये लोग कुछ ना कुछ वीकेंड पे या महीने में या कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी रखते हैं जिसकी वजह से एक तो टूरिस्ट बहुत प्रेफर करते हैं विज़िट करने में और लोगों में भी बड़ा अट्रैक्शन बन जाती है तो लोग आना पसंद करते हैं, मस्ती करते हैं। तो जी मेला तो बहुत ज़बरदस्त सजा हुआ है, लोग इंजॉय कर रहे हैं, हमने भी थोड़ी मौज मस्ती की और आपको भी करवाई। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।